अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटी का नाश्ता। इसके लिए मैं ली हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हीट हो गया, एक मीडियम साइज की प्याज को हम यहाँ पर काट लेंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन डाल के भी अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटे, लाल टमाटे, अच्छा टेस्ट आते हैं इसके अंदर। करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। नमक मिर्ची आपके हिसाब से ऐड कर लीजिए। टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे हम। थोड़ा पानी डाल के हम टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे। 1/2 गिलास उतना पानी ऐड करें हम। गरम मसाले से इसमें फ्लेवर अच्छा आता। टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें रोटी ऐड करेंगे। ऐसे पीसेस में तोड़ के रख लिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता। अगर जब कभी भी आपके पास रोटियां ऐसा बच गए तो आप लोग ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। वेस्ट करने की बजाय आप लोग ऐसा नाश्ता बना कर खा सकते। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोटियां और सॉफ्ट हुए तक पका लेंगे। नमक मिर्ची टेस्ट कर लीजिए फिर से आप लोग। लेफ्ट ओवर रोटीज का नाश्ता बन के रेडी हो गया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। थोड़ा पानी डाले थे, पानी में रोटियां अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब ये नाश्ता बन के रेडी हो गया। आप लोग भी एक बार इसे ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में रोटियां बच गए तो आप फेंके नहीं सर का ऐसा नाश्ता ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को ये लेफ्ट ओवर रोटीज का नाश्ता पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी अच्छी डिशेज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।